हेलो दोस्तों, टेक्नोराजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गूगल प्ले प्रोटेक्ट और एडिटर चॉइस के बारे में। ये प्ले स्टोर की वो दो चीज़ हैं जिसके बारे में लोग समझ नहीं पाए। जब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करते हो तो प्ले प्रोटेक्ट होता है, वो इसको स्कैन करता है कि इसमें वायरस है या मालवेयर है या फिर दोस्तों सेफ़ है कि नहीं या फिर सेफ़ नहीं है। इस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटर चॉइस के बारे में। आपने देखा होगा कई सारी एप्लीकेशन में लिखा होता है कि ये एडिटर चॉइस है। क्यों ऐसा लिखा होता है? देखो भाई, गूगल प्ले स्टोर को चलाने के लिए कुछ लोग अपॉइंट कर रखे हैं गूगल ने, तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि कौन सा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर रखना है, कौन सा ऐप हटाना है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये ऐप उसके पर्पज़ को फुलफ़िल करता है। मतलब जैसा कि आप फ़ोटो एडिटर का ऐप चाहिए और उसमें फालतू एड्स नहीं आने चाहिए और बढ़िया है, वो फ़ोटो एडिटिंग पर्पज़ को फुलफ़िल करती है और अच्छी होती है, तो वो एडिटर चॉइस होती है। और एडिटर चॉइस हमें रिकमेंड करते हैं कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इससे क्या होता है, उस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स बढ़ जाते हैं क्योंकि वो लोगों का ट्रस्ट है कि एडिटर चॉइस है, यानी इसमें कुछ अच्छी बात तो होगी। तो ये होती है एडिटर चॉइस। अगर आप ऐप पब्लिश करते हो, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे आप अपने ऐप को एडिटर चॉइस में डाल सकते हो। ये टोटली गूगल करता है, इसमें डेवलपर का कोई हाथ नहीं होता है। डेवलपर्स का काम इतना ही होता है कि वो एक अच्छी ऐप बनाए और दोस्तों उस ऐप का पूरा पर्पस फुलफ़िल करे, कोई फालतू का एड्स ना दिखाए। तो दोस्तों ये हो जाती है एडिटर चॉइस। अब जानते हैं गूगल प्ले प्रोटेक्ट क्या होता है। आप जब इंस्टॉल करते हैं दोस्तों कोई एप्लीकेशन तो प्ले प्रोटेक्ट स्कैन करता होगा, ये देखता है कि कोई मालवेयर तो नहीं है, कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट तो नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है यार, कोई कोई एप्लीकेशन होती है ना, वो कभी कभी बहुत ख़राब बनती है, जो आपके डाटा को चुरा लेती है, आपको फालतू ऐड दिखाती है, या फिर कोई स्पैम एप्लीकेशन होती है या फिर जंक एप्लीकेशन होती है। और गूगल प्ले स्टोर में आए दिन ऐसे ऐप्स को प्ले स्टोर हटाते रहता है। वो डबल चेक करता है जब आप उस ऐप को इंस्टॉल या डाउनलोड करते हो। तो दोस्तों आपके फ़ोन में गूगल प्ले प्रोटेक्ट सर्विस होती है, वो गूगल की तरफ से होती है, जो एंड्रॉयड को और भी ज़्यादा सिक्योर करती है। क्योंकि दोस्तों एंड्रॉयड में वायरस या मालवेयर आने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है एप्लीकेशन। हालांकि ये प्ले स्टोर से आ रही है, वो टेस्ट होकर भी आती है, फिर भी दोस्तों एक बार फाइनल चेक किया जाता है कि आपके फ़ोन में इंस्टॉल करने से पहले। बेसिकली दोस्तों गूगल प्ले प्रोटेक्ट एक ऐसा गार्ड होता है जो आपके फ़ोन में फालतू ऐप या मालवेयर ऐप्स को आने से रोकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। गूगल प्ले प्रोटेक्ट आपके क्रोम में भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर प्ले प्रोटेक्ट आपको वार्न करता है कि आप जिस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो वो आपके लिए हार्मफुल, आपके डिवाइस के लिए सही नहीं है। तो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो बहुत से चीज़ हैं अगर आप कोई फालतू एप्लीकेशन को आने से पहले हमें वार्न कर देता है दोस्तों, और बता देता है जो ऐप है वो फालतू परमिशंस मांगता है, डाटा को चुरा सकती है या कॉल एक्सेस कर सकती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है जो आपको फ़ोन को और भी ज़्यादा सिक्योर बना देती है। तो वेल दोस्तों, ये दोनों चीज़ें आसान तरीके से बताया हुआ है मैंने कि एडिटर चॉइस और गूगल प्ले प्रोटेक्ट क्या होता है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको टेक से रिलेटेड वीडियो तुरंत मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।